नमस्कार साथियों, आज फिर एक वीडियो के माध्यम से देखिए, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैंने एक खड्डा किया हुआ है और खड्डे में जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था एक आम का पौधा, वो मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं लगाने की प्रक्रिया क्या क्या रहेगी, मैं कौन कौन सी इसमें खाद डालता हूँ। जैसे ये मेरी बाल्टी में आप देख पा रहे हैं सामग्री, ये मेरा आम का पौधा है, ये मेरा आम का पौधा है, झुका हुआ है, ये सिर्फ पैकिंग की वजह से झुका हुआ है, ये सीधा हो जाएगा। मैंने वीडियो में आपसे दिखाया भी था, वो पैकिंग में मुड़ा हुआ था, लेकिन पौधा सेफ है सारा। और ये जो छोटा सा गमला है, इसको हम हटाएंगे और इस मिट्टी में कुछ खाद मिक्स करेंगे। खाद ये मेरी खुद की बनाई हुई खाद है, मैं खुद ही पैकिंग करता हूँ। ये देखिए, इसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं, मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें पैक किया हुआ है। और कुछ मैं घर से ही पहले ही पाउच में फंगीसाइड वगैरह ब्रोन मैंने इनमें पुड़िया बना कर रखी हुई है, वो भी मैं इसमें मिट्टी में मिक्स करने जा रहा हूँ। तो इसको खोल लेता हूँ पहले, ठीक है। देखिए, ये मैंने फंगीसाइड लिया हुआ है और इसको मैं इस मिट्टी पर डाल देता हूँ। इसमें डालने से पहले मैं ऊपर ही इसमें मिक्स कर लेता हूँ। और ये मैंने ब्रोन लिया हुआ है, ये डाल दिया। और ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है, मैंने इसको ओपन खोल दिया है और इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ और अच्छी प्रकार से मिट्टी को मिक्स कर लेता हूँ। इस पन्नी को हम बाद में उठाएंगे, इसको वेस्टिंग को, तब तक मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेता हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पौधा लगाते समय इसमें डालें। इससे पहले मैंने इसकी पॉलीथीन हटानी पड़ेगी, एक ही हाथ से मैं शायद इसको नहीं हटा पाऊँ, और कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा पन्नी हटाने के ऊपर उपरांत ये इस प्रकार से इसमें कोकोपीट डाली हुई है। और अभी हम इसको इसमें से बाहर निकालेंगे, इसको वैसे हम कोशिश करते हैं ऐसे ही निकालने की। ये बहुत ही आराम से निकल गया है और हम अब इसको मिट्टी में टिका देते हैं और धीरे धीरे एक हाथ से मिट्टी जो मिश्रण हमें तैयार किया हुआ है उसको इसके पास जमा देते हैं। अच्छी से अगर मिश्रण नया हो तो कर लीजिए समान मात्रा में और धीरे धीरे से इसके आसपास मिट्टी को टिकाते हुए ऐसे जमाते जाइए। और मिट्टी लगाते जाइए इसमें। देखिए साथियों, मैंने सपोर्ट के लिए ये जो टंडी है ये इसके पास की है, इधर से इसकी थोड़ी जो जड़ है उससे दूरी पर, ताकि इसकी जड़ डैमेज ना हो। और इसे थोड़ा सहारा दे दिया है, ये कुछ ही दिनों में अपने सहारे पर खड़ा हो जाएगा। जो पैकिंग के दौरान उन्होंने ज़बरदस्ती इसको मोड़ रखा था, ये कई कम से कम एक सप्ताह में मुझे मिला है और ये ज़्यादा इसका जोर मुड़ाई पर हो गया, अब ये सीधा हो जाएगा। तो अगली वीडियो में इसकी अपडेट आपको डालूँगा, तब तक
के लिए नमस्कार साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद।